कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। आगरा में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ आईएमए शामिल हुए। आगरा आईएमए ने 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद कर दी। आगरा एसएन मेडिकल के बाहर एमजी रोड पर मानव श्रृंखला बनाएगी। डॉक्टरों ने कड़े कानून की मांग की है। मांग पूरी न होने पर हड़ताल का समय आगे बढ़ाया जाएगा। वही हड़ताल में समाज सेवी और धर्मगुरुओं ने भी समर्थन दिया है। भारत में सभी महिलाएं जो है वो थोड़ा इस समय डर में है, और मेरे हिसाब से जो हम ये मार्च और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ये करनी चाहिए, बिकॉज हम उनके साथ खड़े हैं। कलकत्ता के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पूरे इंडिया, भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। आगरा में आईएमए के आह्वान पर जो एक राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया है, उसको समर्थन देने के लिए धर्मगुरुओं के साथ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जिस तरह से डॉक्टर्स, जो कि भगवान का रूप जाना जाता है, और बंगाल में जिस तरह से उसके साथ डॉक्टर के साथ रेप कर और जिस तरह से उसकी कायराना हत्या की गई, और सरकार वहाँ की इसे बचाने का प्रयास कर रही है, उसको उन्हें हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करके उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे कि आगे से कोई दुस्साहस नहीं। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व के तौर पर हम लोग यहाँ खड़े हैं, और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो कृत्य, जो कार्य यहाँ पर उस प्रदेश में किया गया, जिस लोगों को, जिस समाज को लोगों की जान बचाने के लिए समझा जाता है, वहाँ उनके साथ में ऐसा खिलवा, क्षमा कीजिए, ये अक्षम्य, ये क्षम्य नहीं है। और इसका जब तक खुलेआम सरेरा और सरेआम जब तक इसका दंड नहीं होगा, बंद कमरों में बिठा करके आप फांसी दे दें नहीं, तब तक लोगों में, समाज में भय नहीं जाएगा। अगर न्याय प्रणाली के प्रति कहीं ना कहीं लोगों में ये धारणा होगा ये कुछ नहीं होगा, तो अगर चाहते हैं कि आगे ये ना हो, तो ऐसे व्यक्तित्वों को, ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको खुलेआम सरेआम फांसी या मौत का जो है उन्हें दंड मिलना चाहिए। पूरे देश के चिकित्सा वर्ग में असंतोष और एक भय की भावना कर दी कि हमें अपने वर्क प्लेस में ही सुरक्षा नहीं मिल रही है, हम किस तरीके से अपने मरीजों की देखभाल करें। हमारी सिर्फ ये डॉक्टरों का आंदोलन नहीं है, ये एक समाज के हर वर्ग को इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अकेले डॉक्टरों की समस्या नहीं, एक महिला के अपमान की भी समस्या है, उसके साथ अत्याचार की भी डॉक्टरों के साथ तो है। अब हम आशा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारे इस आंदोलन को ध्यान में रखेगी और त्वरित कार्रवाई करेगी। वो घटना है, बहुत ही दुखद है, इससे हृदय बहुत ही टूट गया है। हम जिस भारतवर्ष को अपनी एक शान समझते हैं, अगर उस भारतवर्ष में इस तरह के कृत्य होते हैं, तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस अपराध को रोकने के लिए मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि मेहरबानी से ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा कठोर कानून की व्यवस्था की जाए, जिससे कि ये अपराध रुक सके। थैंक यू, धन्यवाद।